हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कैनन कैमरे की मैनुअल सेटिंग्स जो आप जिन सेटिंग्स को आप करके अपने कैमरे के, की इमेज को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं और अपने हिसाब से अपने लाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कि आपको जैसे कि आपको कौन सी फाइल पर शूट करना है वाइट बैलेंस क्या रखना है आई कितना होना चाहिए आपका कम से कम और शटर स्पीड क्या होनी चाहिए अपर्चर कितना होता है और क्या होएगा आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों आप जैसा देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है कैन का आर कैमरा और मैं आज इसकी आपको मैनुअल सेटिंग्स बताऊँगा तो दोस्तों मैं पहले इसे कर लेता हूँ ऑन यहाँ पर ये मैंने कर दिया है अपने कैमरे को ऑन और फिर ये है अभी फ़िलहाल ऑटो मोड पे तो मैं इसे ले जाता हूँ अपना मैनुअल मोड पे ये एम एम का मतलब मैनुअल होता है इसमें ओके और इसके बाद हम करेंगे इसका शटर स्पीड फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले आपने कैमरे का करिए शटर स्पीड सेट तो मैं इसका अभी शटर स्पीड सेट करता हूँ ये मैंने कर दिया है इसका शटर स्पीड सेट तो दोस्तों शटर स्पीड सेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शटर स्पीड कैसे और क्या काम करता है हमारे कैमरे के अंदर तो दोस्तों शटर स्पीड वो होती है जो हमारी फ़ोटो में हमें कैप्चर करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आसान भाषा में बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को फ्रीज़ करना है तो हम कैमरे की शटर स्पीड ज़्यादा करते हैं और अगर हमें कुछ हल्का सा मोशन दिखाना है जैसे कि डांसिंग मोमेंट हो गया आपका वेडिंग्स में या फिर कोई भी रनिंग चीज़ दिखानी है हमें उसमें हल्का सा मोशन देना है तो हम शटर स्पीड को डाउन कर देते हैं तो अगर आप कैमरे की भाषा में बोलें तो शटर स्पीड वो होती है कि आपको एक सेकेंड के कौन से वे हिस्से में आपको क्लिक करना है आपकी फ़ोटो शटर को रिलाइज करना है और जिससे कि आपकी शटर स्पीड उसी हिसाब से चलती है जैसे एक बटा पचास हो गया एक बटा साठ हो गया एक सेकंड के सौवें हिस्से में या एक सेकंड के दो सौवें हिस्से में आपको ये करना होता है और शटर स्पीड के साथ साथ एक भी चीज़ एक और चीज़ होती है हमारी कि हमारी कहीं ना कहीं उसमें लाइटिंग भी कम या ज़्यादा होती है क्योंकि अगर आप शटर स्पीड को कम करते हैं तो उसमें आपकी शटर आपकी लाइट ज़्यादा हो जाएगी और आप यदि शटर स्पीड ज़्यादा करते हैं तो उसमें आपकी लाइट भी कम हो जाएगी तो दोस्तों लाइट कम ज़्यादा का ये फंडा है कि अगर आप शटर को कम रखेंगे तो सेकेंड के पचासवें हिस्से में रिलाइज होगा और उसमें उसमें क्या होता है कि आपके शटर के अंदर जितनी देर भी शटर रुका रहेगा फोटो खींचने के लिए उतनी ही ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी और जितना आपका ज़्यादा शटर करेंगे एक बटा दो सौ करेंगे तो वो एक सेकेंड के दो सौवें हिस्से में खुलकर बंद हो जाएगा इससे क्या होता है कि आपकी कम लाइट अंदर जाती है बहुत ही एक सेकेंड के दो हिस्से के बराबर आपकी लाइट अंदर जाती है तो इससे क्या होता है कि आपकी लाइट भी कम हो जाती है लेकिन आपको अगर फास्ट मोशन कैप्चर करना है वो भी फ्रीज़ करना है तो आपको शटर स्पीड ज़्यादा करनी है और नॉर्मली शटर स्पीड हम नॉर्मल शटर स्पीड, स्पीड 125 और 160 रखते हैं जिससे हमारे ज़्यादा या फिर वेडिंग फ़ोटोग्राफी में केले या नॉर्मल ट्रेडिशनल कैंडिड के, में भी कैंडिड में भी वन टू या वन रखते हैं इससे हमारी पिक्चर्स जो है अच्छी अच्छी क्लिक होती है उनमें मोशन वगैरह जर्क वगैरह नहीं आता है तो दोस्तों आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने यहाँ पर आपके दो फ़ोटो मैंने क्लिक करी हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें शटर स्पीड का क्या रोल है मैंने एक फ़ोटो करी है आपके 50 पे और एक फ़ोटो करी है मैंने 160 पे तो आपको इनमें दोनों में अंतर दिख जाएगा और दोस्तों मैं आपको लाइट का एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देता हूँ जैसे कि मैंने यहाँ पर शटर स्पीड अपनी कम करी है मैं जहाँ पर कम करता गया उतना ही शटर स्पीड आपकी लाइट जो है उसमें ज़्यादा आती जाएगी और जहाँ पर मैंने यहाँ पर शटर स्पीड ज़्यादा करा तो आपकी लाइट भी कम होती चली जाएगी और दोस्तों अब हम हाँ आते हैं दूसरी सेटिंग पर अपर्चर जिसे हमारा लेंस मैनेज करता है ये हमारे लेंस के पास होता है जैसे देखा होगा हो कि मार्केट में हमारे बड़े से बड़े अपर्चर के लेंस मिलते हैं जिसमें कि हमारे प्राइम लेंस ज़्यादा यूज़ होते हैं जैसे कि आपका 50 एम mm एम हो गया ये 1.4, 1.8 दोनों मिलता है 85 फाइव mm एम हो गया 1.8 तो आपका 70-200 हो गया जिसमें कि 2.8 अपर्चर है ये जितने भी लेंस होते हैं ये बड़े अपर्चर के लेंस होते हैं तो दोस्तों फोटोग्राफी में अपर्चर को हम फोटोग्राफी का दिल कह सकते हैं जैसे हमारे शरीर का दिल होता है उसी तरह फोटोग्राफी में अपर्चर एक महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट पार्ट कह सकते हैं क्योंकि अपर्चर को समझ लिया तो 50 परसेंट फोटोग्राफी तो कहीं ना कहीं कैमरे में उसने सीख ली है तो दोस्तों अपर्चर में भी हमारे दो प्रॉब्लम हैं उसमें एक है ये है कि अगर आप अपर्चर को आ, कम करते हैं कम नंबर की तरफ ले जाते हैं तो आपकी लाइट फ़ोटो में लाइट या चमक कह सकते हैं या ब्राइट कह सकते हैं आपकी फ़ोटो में लाइट ज़्यादा हो जाती है और कहीं ना कहीं अगर आप इस नंबर को ऊपर ले जाते हैं वन से या टू से ऊपर ले जाते हैं फाइव पॉइंट मतलब नंबर बढ़ा, बढ़ाते हैं इसका अपरचर का तो उसमें आपकी लाइट कम हो जाती है तो इसमें बिल्कुल उल्टा होता है अगर आप कम करेंगे तो आपकी लाइट बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा करेंगे तो इसमें आपकी लाइट घट जाएगी तो दूस, दोस्तों दूसरा फंडा इसमें यह है कि आप अगर अपर्चर अपना कम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके लाइट के साथ आपकी आपके सब्जेक्ट की डेप्थ ऑफ तो फील्ड भी कम हो जाती है और अगर आप अपर्चर बढ़ाते हैं इसका अपर्चर नंबर ऊपर करते हैं तो आपके लाइट के साथ आपकी आपके सब्जेक्ट की डेथ ऑफ फील्ड भी बढ़ जाती है तो दोस्तों डेथ ऑफ फील्ड क्या होती है डेथ ऑफ फील्ड कोई बड़ा ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें आ, आपने जिस सब्जेक्ट को या आपको जिस सब्जेक्ट को फोकस करना है आ, या फिर कह सकते हैं आपको किसी लड़के पर या लड़की पर फोकस करना है उसके आगे की जितनी भी जगह है और उसके पीछे की जितनी भी जगह है वो आपके फोकस में है तो उसी चीज़ को हम डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक सब्जेक्ट लिया है और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे मैंने इस सब्जेक्ट को कर लिया है फ़ोकस और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे हमारी हर चीज़ फ़ोकस में है लेकिन जहाँ तक मैं आगे से थोड़ा आगे लेके आता हूँ तो यहाँ पे मेरी उंगली ब्लर्ड हो जाती है और यहाँ पर हमारी क्लियर है तो इससे आगे और यहाँ पे इससे पीछे यहाँ तक हमारी फोकस ठीक है इससे पीछे में जितनी भी जगह है वो हमारी डेथ ऑफ फील्ड कहलाती है तो दोस्तों हम आते हैं अब अगली सेटिंग पे जिसका नाम है आई एस हमें सबसे बाद में सेट करना चाहिए क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि हमारी लाइट फ़ोटो में या आपकी वीडियो में कहीं कहीं भी कह सकते हैं कि आपकी लाइट फ़ोटो में कम पड़ रही है तो आपको ज़्यादा ही कम पड़ रही है तो आपको आई एस यूज़ करना चाहिए वरना तो आप बिना आई एस या आपका मिनिमम आई एस हर कैमरे की अपनी एक रेंज होती है आई की कि इतने तक आपका कैमरा आई एस ले सकता है और आपकी प्रोफाइल में ग्रेन्स और नॉइज़ नहीं आएगी वरना अगर आप उससे ज़्यादा आई एस बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटो में नॉइज़ और ग्रेन्स आने की आने की संभावना ज़्यादा रहती है तो दोस्तों इसके बाद आती है हमारी पिक्चर प्रोफाइल जिसे आप अपने अनुसार कर सकते हैं अगर आप उसमें पोर्ट्रेट खींच रहे हैं तो आप उसे पोर्ट्रेट पे कर सकते हैं आपको स्टैंडर्ड पे करना है तो स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं यदि आपको ब्लैक एंड वाइट शूट करना है तो उसे आप मैन एम पे कर सकते हैं और आपको यदि लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो उसे आप लैंडस्केप में कर सकते हैं आप अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगता हो उसमें आप चूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद है हमारा फाइल फॉर्मेट जिसमें जिसके जिसको आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं और अगर आपको फ़ोटो में कलर ग्रेडिंग करनी है या फिर आपको ज़्यादा एडिट करना है फोटो तो आप इसे रो पे शूट करें इससे अच्छा इससे हमारे कलर्स के पिक्सल्स ज़्यादा मिलते हैं अगर अगर आपको डायरेक्ट एफ या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको शेयर करनी है पिक्चर्स तो आप इसे जे पे खींच सकते हैं तो दोस्तों अगर हमें पिक्चर्स में कलर्स अच्छे लाने हैं तो हमें हमें यूज़ करना होता है वाइट बैलेंस हमें वाइट बैलेंस की सबसे ज़्यादा पिक्चर्स में कलर्स के लिए आवश्यकता होती है और कहीं ना कहीं अगर आप अपने अनुसार इसमें कोई भी कोई भी फंक्शन चूज़ कर सकते हैं इसमें वाइड बैलेंस में बहुत सारे दिए गए हैं सनलाइट वग़ैरह और कैलविन वगैरह हर चीज़ दी गई है और कहीं ना कहीं अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा आ रहा है कलर्स के कलर्स में तो आप इसमें ऑटो वाइड बैलेंस भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि तो आजकल के कैमरे इतने एडवांस हो गए हैं क्योंकि उनका ऑटो वाइड बैलेंस भी बहुत ही अच्छा आता है और मैं तो अधिकतर के कैलविन यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आ, वो ऑटो वाइड बैलेंस में मेरे को नाइट्स में अगर अलग से लाइट में कोई काम कर रहे हो ऑटो वाइड बैलेंस आपको जिस अनुसार उसमें कलर या ब्लू या येल्लो चाहिए उस हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों हमारे कैमरे में यहाँ दिया गया है ओल्ड सर्वो और ऑटो ओल्ड सर्वो और वन शॉट इसमें आप अगर किसी चलते हुए सब्जेक्ट को या रनिंग सब्जेक्ट को फोकस करके क्लिक करना है तो आप ओल्ड सर्वो पे कर सकते हैं कहीं ना कहीं वो आपको सब्जेक्ट को ट्रैक करता है और अगर आपको आ, किसी स्टैंड बाई सब्जेक्ट को या फिर आपको कोई वेडिंग फोटोग्राफी करनी है या किसी का पोर्टफोलियो करना है तो इसमें आप वन शॉट पर कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद दिए गए हैं हमारे सिंगल फोकस पॉइंट्स सिंगल एक्सपोजर फोकस पॉइंट्स जिसमें जिसे हम बेसिक के लिए अभी पूरा ही रखते हैं इनको सारों को फिल कर देते हैं तो दोस्तों आज की बेसिक कैमरा बेसिक सेटिंग्स में इतना ही और एडवांस सेटिंग्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही टाटा बाय बाय